हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिजाइन। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्रोन और गेट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एयरपोर्ट एप्रोन या एप्रोन फ्लाइट लाइन रैंप, ये एयरपोर्ट का वो एरिया है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है। लोडिंग, अनलोडिंग, रिफ्यूलिंग, बोर्डिंग, डी बोर्डिंग, मेंटेनेंस है मेनली, माइनर मेंटेनेंस हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जनरली जो यूज है एप्रोन का, वो उसके लिए पूरा रेगुलेशन होता है और उस पर ज़्यादा मतलब ऑथराइज लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन जो है, जो एयरक्राफ्ट के पैसेंजर है वो भी इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मेनली एप्रोन के बारे में ही। तो एप्रोन एरिया जहाँ पर एयरक्राफ्ट को पार्क करना है, तो वो कितने बड़ा होना चाहिए, क्या साइज बड़ा होना चाहिए उसका, वो डिपेंड करता है मेनली तीन फैक्टर्स पर। वो है गेट पोजिशन, नंबर ऑफ गेट्स एंड सिस्टम ऑफ पार्किंग। तो मेनली इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट पोजीशन और नंबर ऑफ गेट्स के बारे में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो गेट पोजीशन की बात की जाए तो गेट क्या है? एप्रोन एरिया जहाँ पे हम लोग एयरक्राफ्ट को पार्क करते हैं, और गेट है कि उस एप्रोन एरिया में जिस लोकेशन पे हम लोग एयरक्राफ्ट को पार्क करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गेट। ठीक है, ये बार बार हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं गेट टर्म, तो इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। और बहुत बार मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें, तो उसमें भी कम ये बार बार रिपीट होगा। मतलब अगर ये टर्मिनल बिल्डिंग के सामने का एरिया है और इस लोकेशन पे एक एयरक्राफ्ट पार्क है, फिर यहाँ पे पार्क्ड है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे आपका एयरक्राफ्ट पार्क्ड है, तो यहाँ पे पूरा जो एरिया है वो कहलाएगा एप्रोन। और ये स्मॉल लोकेशन है जहाँ पे आपका एयरक्राफ्ट पार्क किया गया है वो कहलाएगा गेट। तो गेट पे जो एरिया पर ही एयरक्राफ्ट जस्ट नो पार्क करते हैं, और वहाँ पे सारा लोडिंग अनलोडिंग पैसेंजर का, बैगेज का, कारो का हम लोग करते हैं। तो आपका पूरा जो एप्रोन एरिया है उसका साइज डिपेंड करता है मेनली आपके साइज ऑफ एयरक्राफ्ट पर, और टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट पार्किंग पर, और नंबर ऑफ गेट्स पर। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। तो फर्स्ट है कि साइज ऑफ एयरक्राफ्ट कितना बड़ा है, साइज एयरक्राफ्ट का साइज। तो एयरक्राफ्ट साइज जितना बड़ा होगा उतना ही हम लोग को ज़्यादा लोकेशन चाहिए होगा, ज़्यादा बड़ा लोकेशन चाहिए होगा पार्क करने के लिए, उसके मूवमेंट करने के लिए और डिफरेंस सर्विसिंग के लिए। और नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट फैक्टर है, वो है टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट पार्किंग। आप किस ओरिएंटेशन में आप एयरक्राफ्ट को पार्क कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो है, आपका कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा आपका यहाँ पे पार्किंग करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, और पूरा एप्रोन साइज के लिए। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं कि हम लोग के पास मेनली ये पांच तरह के पार्क हम लोग कर सकते हैं, पांच तरीके से पार्क कर सकते हैं। जो फर्स्ट है नोज इन, एंगल नोज इन, नोज आउट, एंगल नोज आउट, पैरेलल पार्किंग। तो फर्स्ट है नोज इन पार्किंग। तो नोज इन पार्किंग में हम लोग जस्ट टर्मिनल बिल्डिंग के फ्रंट में एयरक्राफ्ट को इस तरह से पार्क करते हैं, परपेंडिकुलर इस तरह से पार्क करते हैं कि जो एयरक्राफ्ट का नोज है वो आपके टर्मिनल बिल्डिंग के सामने ओरिएंटेड हो। ठीक है, तो इसमें है कि इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो फर्स्ट एडवांटेज है कि ये जो है, इस तरह से जो नॉइज जनरेट होता है एयरक्राफ्ट के जेट से, इस लोकेशन से, तो इससे आपका टर्मिनल बिल्डिंग बच जाता है, हायर नॉइज लेवल क्रिएट नहीं होगा। इससे जो होगा कि फ्रंट जो डोर है एयरक्राफ्ट का वो आप पैसेंजर के लिए इजीली एक्सेसिबल रहेगा यहाँ पे। इट रिक्वायर्स स्मॉल गेट एरिया और फॉर ए गिवन एयरक्राफ्ट। तो नॉर्मली जो है आपका विड्थ वाइज आपका स्मॉल होता है एयरक्राफ्ट, तो इस केस में जो है आपको छोटे से जगह जगह की जरूरत पड़ेगी टर्मिनल बिल्डिंग के सामने। ठीक है, और इट्स सेंड नो जो जेट ब्लास्ट थ्रू आउट द बिल्डिंग। तो इसकी वजह से जब इंजन स्टार्ट होगा तो किसी तरह से जेट ब्लास्ट आपके टर्मिनल बिल्डिंग पे नहीं आएगा। डिसएडवांटेज ये है कि इसको आपको मैनूवर करना है, मूव करके आपको टैक्सी वे की तरफ लेके जाना है, फिर रनवे की तरफ लेके जाना है, तो उस केस में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि आपको मूवमेंट कराने के लिए आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। ठीक है, और नोज आपका एयरक्राफ्ट के जस्ट टर्मिनल बिल्डिंग के जस्ट नियर है, तो आपके जो है रियर डोर है, जो पीछे का डोर है, उसको इस्तेमाल करने में थोड़ा सा मतलब लॉन्ग लेंथ तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक आपको मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म है आपका एंगल नोज इन पार्किंग। तो इस केस में जो पूरा कॉन्फिगरेशन है आपके नोज इन पार्किंग की तरह ही है, बस थोड़ा सा एंगल पर रोटेटेड है। तो इस केस में जो है आपको जो एयरक्राफ्ट को मूवमेंट करने के लिए, मैनूवर करने के लिए थोड़ा इजी होता है, वो अपने पावर से वो मूवमेंट कर सकता है, उसके लिए अलग से किसी तरह का व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ती है ताकि एयरक्राफ्ट को खींचना या आपको ढकेलना पड़े। ठीक है, तो इसमें ये है कि आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है,
ये थोड़ा मतलब इसका डिसएडवांटेज है कि स्पेस का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और पर इसका बेनिफिट ये है कि मूवमेंट आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है नोज इन पार्किंग, नोज आउट पार्किंग। नोज आउट पार्किंग में हम लोग जस्ट इसके अपोजिट है नोज इन पार्किंग का, कि एयरक्राफ्ट को हम लोग परपेंडिकुलर ही हम लोग अरेंज करते हैं, बस उसका जो टेल है इसके टर्मिनल बिल्डिंग के सामने होता है और नोज उसके मतलब अवे होता है आपके टर्मिनल बिल्डिंग के। तो इसका एडवांटेज तो ये है कि आपका जो रियर जो डोर है उसको आप इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाएंगे, और इसको जो है मूवमेंट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पावर जो जरूरत है नहीं, वो अपने पावर से आगे की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन ये आपका डिसएडवांटेज ये है कि आपका जैसे जेट इंजन स्टार्ट होगा वैसे ही बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करेगा, और यहाँ पे जेट ब्लास्ट की वजह से यहाँ पे गैसेस भी रिलीज होंगे। नेक्स्ट है एंगल नोज आउट पार्किंग। ये थोड़ा सा आपका मतलब बेटर पार्किंग है, क्योंकि आप इसमें आप मूवमेंट इजीली कर पा रहे हैं, और इससे थोड़ा सा इसके कोई जेट ब्लास्ट का ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं है टर्मिनल बिल्डिंग पर थोड़ा सा आएगा इसकी वजह से भी, और आपको मतलब इजीली आप यहाँ पे दोनों एक्सेस कर सकते हैं दोनों टाइप के दोनों। तो आपको जो है टर्मिनल बिल्डिंग के सामने लॉन्गर लेंथ की जरूरत पड़ती है, और लॉन्गर एरिया मतलब लॉन्गर एरिया लॉन्ग लेंथ की जरूरत पड़ेगी, और उसकी वजह से पर ये है कि आपको यहाँ पे आपका जो फ्रंट डोर है रियर डोर है वो भी थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा आपका टर्मिनल बिल्डिंग से, और इससे जो जेट ब्लास्ट निकलेगा आगे वाले इंजन से वो पीछे वाले एयरक्राफ्ट पर आता है। तो ये थोड़ा सा आपका डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज ये है कि आप इजीली मूविंग मूव आउट कर सकते हैं टर्मिनल बिल्डिंग के पास, और दोनों जो है डोर है आप इजीली सामने से इस्तेमाल कर सकते हैं टर्मिनल बिल्डिंग से। ये दो बेनिफिट है इसके इस तरह के पार्लर पार्किंग का। तो बेसिकली जो है कि डिफरेंट टाइप के जो एयरक्राफ्ट पार्किंग है सबके कुछ एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो वो डिपेंड करता है कि जो आपकी एयरलाइन कंपनी है वो किस तरह का आपके जो पार्किंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको वो प्रेफर कर रही है, और सबके मतलब सुझाव से एक फिक्स किया जाता है कि आपको कितना किस तरह का साइज का पार्किंग चाहिए, और वो मतलब डिपेंड करता है कि आपके टर्मिनल बिल्डिंग के पास कितना स्पेस खाली है। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पार्किंग सिस्टम है वो है नोज इन पार्किंग। इससे एरिया भी सेव होता है और ब्लास्ट का इफेक्ट भी कम आता है जिस ब्लास्ट का, और नॉइज भी कम क्रिएट होता है, बस थोड़ा सा आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है तो वो देख लिया जाता है, मतलब ज़्यादा इश्यू नहीं आता है। नेक्स्ट बात कर लिया नंबर ऑफ़ गेट्स की। तो नंबर ऑफ़ गेट्स है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका जो है एयरपोर्ट है वो पर आवर कितना एयरक्राफ्ट को हैंडल करने वाला है। मतलब कि अगर ये आप ध्यान देके चले कि जो एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट है उस पर अगर एक दिन में 100 एयरक्राफ्ट आते हैं तो आप 100 गेट्स नहीं बनाएंगे, मतलब 100 पार्किंग स्पेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपका हो सकता है कि सुबह में एक एयरक्राफ्ट आया वो एक घंटे में वो निकल गया, तो मतलब 100 के 100 जो एयरक्राफ्ट एक दिन में आ रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं वो एक टाइम में कभी भी 100 नहीं होंगे। ये अगर 100 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं तो मुश्किल से 10 या 20 एयरक्राफ्ट एक टाइम में आ सकते हैं, तो हम लोग देखना पड़ेगा पीक आवर के टाइम में हमारा कितना एयरक्राफ्ट वहाँ पर आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि एस्टिमेटेड पीक आवर वॉल्यूम कितना है, एक घंटे में कितने एयरक्राफ्ट का हम लोग को हैंडल करना है। वो डिपेंड करता है कि आपका रनवे कैपेसिटी कितनी है, तो जो हमारा जो एस्टिमेटेड पीक आवर वॉल्यूम है एयरक्राफ्ट का वो कभी भी रनवे कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हो भी नहीं सकता है। ये जितना हम लोग रनवे से हैंडल कर सकते हैं जितने एयरक्राफ्ट को उतना ही हम लोग के पास पहुँचेगा वापस एप्रोन के पास, और उस एप्रोन से ही हम लोग को सारे जो है एयरक्राफ्ट को हैंडल करना होता है। तो उसी से हम लोग निकालना है कि नंबर ऑफ़ गेट्स का रिक्वायरमेंट कितना होता है। नेक्स्ट है कि आपका गेट ऑक्यूपेंसी टाइम कितना है। हम लोग पास जो भी एयरक्राफ्ट आया है उसको हम लोग किसी और लोकेशन में पार्क कर सकते हैं, लेकिन जब बात करते हैं एप्रोन में पार्क करने की तो एप्रोन में डिपेंड करता है कि आपको कितना जो है सर्विसिंग टाइम चाहिए गेट के पास, मतलब एप्रोन के पास आपका जो एयरक्राफ्ट आया है वो कितना टाइम ले रहा है आपको लोडिंग अनलोडिंग करने में, जो माइनर मेंटेनेंस करना है क्लीनिंग करनी है उसके लिए। तो ये देखा गया है कि जो थ्रू फ्लाइट है, मतलब बात कर लीजिए कि अगर कोई दो एयरपोर्ट है, जैसे मान लीजिए दिल्ली है मुंबई है, दिल्ली से स्टार्ट हो रही है फ्लाइट मुंबई जा रही है, तो बीच में जयपुर और अहमदाबाद में वो स्टे कर रहे हैं कुछ देर के लिए, मतलब कि जयपुर के अहमदाबाद के भी पैसेंजर्स को लेके आगे वो मूव कर रही है, तो दोनों लोकेशंस पे
जो आपके जो है एयरक्राफ्ट को सर्विसिंग के जो टाइम चाहिए, तो इस दो लोकेशंस को हम लोग बोलेंगे थ्रू टाइम, और जो बाकी जो आपका जहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे ख़त्म हो रही है, वो मेनली हम लोग बोलते हैं टर्न अराउंड लोकेशन। तो जहाँ पे जिस एयरपोर्ट पे वो थ्रू एयरपोर्ट मतलब थे फ्लाइट के दौरान वहाँ पर जस्ट रुकती है, तो उसमें ऑक्यूपेंसी टाइम कम होती है, गेट ऑक्यूपेंसी टाइम वो लगभग 20 से 30 मिनट होता है। और जहाँ पे आपको रुक के वापस जाना होता है, जर्नी ख़त्म करनी होती है, जर्नी स्टार्ट करनी होती है, तो वहाँ पे जो है गेट ऑक्यूपेंसी टाइम थोड़ा लंबा होता है, ज़्यादा होता है, जो लगभग 40 से 60 मिनट होता है। ठीक है, ये ध्यान में चलना, और इस तरह से हम लोग डिजाइन भी करते हैं। अब बात करते हैं गेट कैपेसिटी एनालिसिस की, कि अब हम लोग को निकालना है बेसिकली कि हमें कितना गेट्स का ज़रूरत है। हम लोग मालूम रहता है कि कितना फ्लाइट आने वाली है 1 घंटे में, कितना आपका पीक आवर रहता है वॉल्यूम, पर आपका जो है कितना गेट होना चाहिए वो निकालना पड़ता है। या फिर हमारे पास मालूम हो कि कितना गेट है, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैक्सिमम हम लोग कितना कैपेसिटी हैंडल कर सकते हैं एयरक्राफ्ट को। ठीक है, तो इसमें ये है कि हम लोग को ये ध्यान देना पड़ता है कि हमारा रिक्वायरमेंट कितना और हम लोग प्रोवाइड कितना कर रहे हैं, मतलब कि जो एयरक्राफ्ट जो कैपेसिटी है पूरे एयरपोर्ट की, उसका रिक्वायरमेंट कितना है, कि वो कितने टाइम तक स्टे करना चाहती है। और ये हम लोग को देखना पड़ता है कि जो हमारा जो एयरपोर्ट टर्मिनल है उसके आसपास जितने भी नंबर ऑफ़ गेट्स हैं, वो आप कितना टाइम तक सप्लाई कर पा रहे हैं, तो आपका डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, वो दोनों को देख के ही आपका जो सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए डिमांड से, तभी हम लोग आप पूरी तरह से सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो गेट कैपेसिटी एनालिसिस में हम लोग मेनली यही फोकस करते हैं कि जो डिमांड है वो सप्लाई के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इस पर दो मेन फैक्टर्स होते हैं कि हम लोग ध्यान दे के चलते हैं कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड गेट यूज है या फिर रिस्ट्रिक्टेड गेट यूज है, मतलब कि एक जो गेट है, जो स्पेस लोकेशन है जहाँ पे हम लोग को एयरक्राफ्ट पार्क करना है, वो सिर्फ एक ही टाइप के एयरक्राफ्ट के लिए है या फिर डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट के लिए भी यूजफुल है, ये देखना पड़ेगा। मतलब जनरली जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पे जो लोकेशन से गेट्स होते हैं, और मेजरली उसमें एक ही टाइप के एयरक्राफ्ट वहाँ पे लैंड करते हैं, एक ही साइज़ के एयरक्राफ्ट होते हैं, तो वो सारे तरह का गेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड गेट यूज भी हम लोग चलते हैं जाते हैं। लेकिन जब बात कर ली जाए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की, तो उसमें अलग अलग साइज़ के एयरक्राफ्ट आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपका एयरक्राफ्ट का साइज़ कितना है, कि उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एप्रोन में गेट के साइज़ रखते हैं। तो जो बड़े साइज़ का जो एयरक्राफ्ट है वो छोटे साइज़ के जो है गेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड गेट यूज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये फिलोसफी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग डिजाइन करते हैं। तो कैसे डिजाइन करते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मतलब इसी लेक्चर में। अब बात करते हैं गेट यूटिलाइजेशन फैक्टर का। तो अगर बात की जाए कि हम लोग जो गेट है क्या हम लोग फुल्ली यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं टर्मिनल बिल्डिंग में, तो वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। तो कभी भी आपका 100% हम लोग गेट यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपका जो एक एयरक्राफ्ट है जस्ट आपका उसका टाइम ख़त्म हुआ वो तुरंत निकल जाएगा और फिर तुरंत आपका अगला एयरक्राफ्ट वहाँ पर पार्क हो जाएगा, क्योंकि आपके एयरक्राफ्ट को मूवमेंट करने में टाइम लगता है, तो उसमें है तो उसमें जो गेट के जो टाइम है उसका किल होगा, तो आपको गेट यूटिलाइजेशन फैक्टर भी आपका 100% से कम ही होगा। और जो एयरक्राफ्ट के बीच का जो है, एक एयरक्राफ्ट आया उसके बीच फिर दूसरा एयरक्राफ्ट है, उसके पीछे जो है शेड्यूलिंग में भी बहुत कम टाइम होता है, तो उस केस में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ जाता है, तो इस वजह से हम लोग पूरी तरह से फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ये जो गेट यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो जनरली 0.6 से 0.8 लेकर चलना पड़ता है, मतलब कि इधर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग ऐड कर रहे हैं कि हम लोग जो पूरे गेट है उसका 0.6 से 0.8% ही 0.6 से 0.8 ही इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब कि 60 से 80% ही इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसा लेके चलते हैं तो हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ आपके पास जो गेट है वो खाली रहेंगे, खाली रहेंगे तो आपके पीक आवर में वो काम आते हैं। तो कुछ जगहों पर तो ये आपका 50% से 60% तक लेके चला जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग को निकालना है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है गेट की, मतलब आपके पास 4 गेट हैं या 10 गेट है, 12 गेट है, जितने भी गेट्स हैं आपके एप्रोन में, तो आपकी कितने एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सकते हैं आप, वो निकालना है। या फिर आपको निकालना है कि आपके पास इतने सारे कैपेसिटी है
मतलब इतने सारे एयरक्राफ्ट आने वाले हैं, तो आपको कितने एयरक्राफ्ट के गेट के लोकेशन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जी इक्वल टू सी टी प्लस बाई यू। जी है नंबर ऑफ गेट्स, सी है डिजाइन वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट पर आवर, टी है वेटेड एवरेज गेट ऑक्युपेंस टाइम्स, और सी है यूटिलाइजेशन फैक्टर, गेट यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपको लेके चल रहे हैं कि सी जो है आपका डिजाइन वॉल्यूम है, मतलब कि एक घंटे में आपके सी नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट उस एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, ठीक है, तो सी नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट आ रहे हैं एक घंटे में, और उसको जो रिक्वायरमेंट है टाइम आपके गेट पर रुकने के लिए टी टाइम है, तो सी को मल्टीप्लाई करेंगे टी टाइम से, तो हम लोग को निकल जाएगा कि हमें इतना इतने टाइम तक आपको इतने स्पेस चाहिए, इतना स्पेस चाहिए, क्योंकि सी का जो आपका अगर देखें यूनिट आपका क्या है, एयरक्राफ्ट पर आवर, और आपका टाइम का यूनिट होगा आवर, तो आपको निकल जाएगा कि कितना एयरक्राफ्ट को हैंडल करना है आपको एक टाइम में, तो उसके अकॉर्डिंग आप निकल जाएंगे नंबर ऑफ़ गेट्स कितना होना चाहिए, वही हो जाएगा नंबर ऑफ़ गेट्स। पर अगर आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर आपको ध्यान देना है तो आपको उससे डिवाइड कर सकते हैं, ताकि आप निकाल सकें कि कितना आपका नंबर ऑफ़ गेट्स आपको बढ़ाने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है और इसी का हम इस्तेमाल करते हैं भाई ये सब निकालने के लिए, गेट नंबर ऑफ गेट्स निकालने के लिए, या फिर मतलब कि कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए वो निकालने के लिए। तो इसमें भी हम ध्यान देते हैं कि आपको रिस्ट्रिक्शन है या नहीं, मतलब सब टाइप्स आपका जो गेट है वो सब तरह के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कि कुछ एयरक्राफ्ट सारे तरह के लोकेशन या सारे तरह के गेट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम लोग ध्यान मतलब डिजाइन करते हैं, और उसके अलावा हम लोग ये सब कुछ फंक्शन मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ध्यान में रखते हैं कि लार्जर गेट्स को जो है स्मॉल एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, पर स्मॉल गेट्स को लार्जर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो गेट का रिक्वायरमेंट शुड बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, तो जितने टाइप के एयरक्राफ्ट आएंगे उसके हम लिए हम लोग को उसको डिफरेंट टाइप से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डिफरेंट को मतलब डिफरेंटली कैलकुलेट करना पड़ता है, बाकी डिस्कस करेंगे हम लोग। मतलब मेनली हम लोग को फोकस देना है एयरक्राफ्ट पर, ना कि नंबर टाइप्स ऑफ गेट पर, ठीक है। उसके बाद है कि जो नंबर ऑफ गेट्स एट मोस्ट ऑफ एयरपोर्ट जनरली वेरीज विद इन द रेंज ऑफ 3 to 5 पर मिलियन एनुअल पैसेंजर, एक साल में जितने मिलियन पैसेंजर आने वाले हैं तो उतने पैसेंजर्स के लिए 3 से 5 गेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर 10 मिलियन आने वाले हैं तो 30 से 50 हम लोग गेट प्रोवाइड करेंगे, तो इस पर डिपेंड करता है। तो टू क्रिटिकल एक्टिविटी डिटरमाइनिंग द गेट ऑक्यूपेंसी टाइम आर केबिन क्लीनिंग रिफ्यूलिंग, एज ए लार्ज एयरक्राफ्ट विल रिक्वायर मोर टाइम फॉर दोज एक्टिविटी, द लार्ज एयरक्राफ्ट विल नॉर्मली ऑक्यूपाई गेट फॉर लॉन्गर टाइम देन स्मॉलर एयरक्राफ्ट। तो लार्ज एयरक्राफ्ट है उसको क्लीनिंग करने के लिए भी चाहिए टाइम, बहुत टाइम चाहिए, और रिफ्यूलिंग करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, तो उसका भी जनरली गेट कैपेसिटी ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, एग्जाम्पल प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। तो एग्जाम्पल प्रॉब्लम की बात की जाए तो फर्स्ट है आपका सबसे ईजिएस्ट प्रॉब्लम है, अच्छे समझिएगा, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हमेशा आते हैं। तो बेसिकली जिसमें क्वेश्चन में है कि आपका यहाँ पे नंबर ऑफ़ गेट्स पहले से प्रोवाइड किए गए हैं, 4 नंबर ऑफ़ गेट्स है, और उसके अलावा 3 टाइप के जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा तीनों एयरक्राफ्ट के जो है परसेंटेज दिए हुए हैं कि कितना परसेंटेज वो मतलब वो आते हैं, मतलब कि अगर 12 एयरक्राफ्ट आएंगे दिन भर में एक घंटे में, तो 12 का 30% आपका क्या होगा, वो होगा टाइप ए का फर्स्ट क्लास एयरक्राफ्ट होगा, 50% जो है 12 का मतलब 6 एयरक्राफ्ट सेकेंड टाइप के होंगे, और जो 20% होगा वो होगा मतलब 3 टाइप का एयरक्राफ्ट। और इसमें ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि जो एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट हैज़ 4 गेट्स विच आर अवेलेबल फॉर ऑल द एयरक्राफ्ट, तो जो है ये जो है गेट्स है वो सारे तरह के एयरक्राफ्ट के लिए अवेलेबल है, और उसके अलावा गेट यूटिलाइजेशन फैक्टर 60% दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है कैपेसिटी कितनी होगी आपकी एयरपोर्ट के लिए। तो जो एयरक्राफ्ट है वो सब तरह के गेट्स को इस्तेमाल कर सकता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा इशू है नहीं,
तो बेसिकली हम लोग को इसमें निकालना पड़ेगा कि जो एवरेज ऑक्यूपेंसी टाइम कितनी है पूरे एयरक्राफ्ट की। इसमें हम लोग को इसमें कुछ सोचना ही नहीं है कि हम लोग का जो एक एयरक्राफ्ट है वो दूसरा तरह का गेट का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सारे को हम लोग एक में रख के हम लोग निकाल सकते हैं आपके गेट और मतलब जो पूरा ये एवरेज गेट कैपेसिटी है बेसिकली जो हम लोग निकालनी है, हम लोग कैपेसिटी ऑफ गेट्स निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग को पहले निकालना पड़ता है बेसिकली ये आपका वेटेड एवरेज ऑक्यूपेंसी टाइम कितना है। वेटेड एवरेज ऑक्यूपेंसी टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि 60 मिनट टाइम ले रहा है 30% का एयरक्राफ्ट, 60 × 0.3 लेंगे, 45 × 0.5, 30 × 0.2, तो इतना टाइम हम लोग को लेता है। उसको डिवाइड बाई आप कर सकते हैं 0.3 + 0.5 + 0.2 जो कि 1 आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे मिनट्स में है तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 0.775 आवर्स। तो आपके पास टी मिल गया है, यूटिलाइजेशन परसेंट 0.6 है ही, और सी हम लोग को निकालना है, जी हम लोग का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं सी का वैल्यू जो कि है 3.10 एयरक्राफ्ट पर आवर, मतलब कि एक घंटे में 3.1 एयरक्राफ्ट को हैंडल आप कर सकते हैं। 3.1 एयरक्राफ्ट का मतलब एयरक्राफ्ट तो सिर्फ वन ही, मतलब ये 1, 2, 3 मतलब कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, लेकिन इसको मान चल सकते हैं आपकी 10 घंटे में आप 31 एयरक्राफ्ट को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, मतलब इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो मतलब कि एक घंटे में आप 3.1 एयरक्राफ्ट को आप सर्विस दे पा रहे हैं। तो जो एयरक्राफ्ट वो आ रही है फिर चले जा रही है, मतलब कि उसका जो ऑपरेशंस है वो 2 times होती है, मतलब कि टेक ऑफ और लैंडिंग। तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पूरा एयरपोर्ट है आपका वो 6.2 ऑपरेशंस पर आवर करके मतलब हैंडल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो है हमारी प्रॉब्लम में 12 गेट्स में प्रोवाइड किए गए हैं और जो कि एक्सक्लूसिवली यूज किए जा रहे हैं, मतलब कि ए टाइप का जो एयरक्राफ्ट है ये सिर्फ 2 ही गेट्स को इस्तेमाल कर सकता है, बी जो है ये सिर्फ 4 ही जो है इस्तेमाल कर सकता है, और सी जो है सिर्फ 6 का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सी का जो एयरक्राफ्ट टाइप है वो बी का जो है जो 4 बाकी था वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, और बी का 2 इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब ए के लिए 2 अलग लोकेशंस है, बी के लिए हमारे पास 4 लोकेशंस है, और सी के लिए हमारे पास डिफरेंट 6 लोकेशंस है पहले से। तो सी बी में नहीं जा सकता, ए बी में नहीं जा सकता, मतलब इस तरह है जो भी एयरक्राफ्ट है उसके लिए एक्सक्लूसिवली डिफरेंट टाइप के लोकेशंस प्रोवाइड किए गए हैं पहले से। तो हम लोग को 3 टाइप के एयरक्राफ्ट के लिए डिफरेंट हम लोग कैलकुलेशन करने पड़ेंगे और उसका जो मिनिमम होगा वही हम लोग लेके चलेंगे। तो ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ गेट्स दिए गए हैं, हम लोग को बेसिकली निकालना है कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए आपके एयरक्राफ्ट के मूवमेंट करने के लिए। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग C1 आपका एयरक्राफ्ट वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो C1 का जो है 50% है जो है ए टाइप के एयरक्राफ्ट आएंगे, तो C × 0.515 मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि 25 मिनट आप टाइम ले रहे हैं, तो 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिवाइड बाय 60, तो इतना आवर्स आपको चाहिए C1 एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए। यूटिलाइजेशन फैक्टर का यूनिटी दिया हुआ है तो 1 आप ले सकते हैं, और गेट आपके कितने हैं 2 हैं, तो इसके लिए जो है हमारे नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो आ जा रहे हैं वो आ जा रहा है C1 = 32 एयरक्राफ्ट पर आवर, मतलब कि अगर जो भी एयरक्राफ्ट आते हैं 32 एयरक्राफ्ट आते हैं उसके 15% जो है वो फुल्ली यूटिलाइज कर पाएंगे ए को। ठीक है, अगर हम लोग सेकेंड केस की बात कर ले जाए तो यहाँ पे जो है बी एयरक्राफ्ट के लिए जो है 4 जो है आपका नंबर ऑफ गेट्स हैं, उसके बाद मांग चलते हैं हम लोग को टोटल जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं वो C2 आ रहे हैं, तो C2 का 35% जो है वो आपका 45 मिनट आपको वो इस्तेमाल कर रहे हैं गेट्स पे, तो इससे हम लोग डिवाइड करके निकालते हैं तो ये C2 का वैल्यू आती है 15.24 एयरक्राफ्ट पर आवर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग इसी से लेके चल रहे हैं, G = CT/U से लेके चल रहे हैं, ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा। तो बेसिकली जो C2 का जो वैल्यू आ रहा है 15.24, तो 15.24 जो पर आवर अगर एयरक्राफ्ट आते हैं तो 35% जो भी 35% जो भी यहाँ पे एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए सफिशियंट होगा 4 गेट,
लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपके एयरक्राफ्ट आते हैं तो उसका 35% जो है उसके लिए जो है चार एयरक्राफ्ट जो चार जो गेट है वो कम पड़ जाएंगे। तो हमारा जो है कैपेसिटी है वो 15 लगेज ही चलना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट केस है कि आपका जो सी केस में जो आपका 6 आपके आने वाले हैं 6 गेट्स हैं यहाँ पे, तो C3 लेके चलते हैं इसमें, जिसका आपका 50% आपका ये आपका रिक्वायरमेंट है और 60 मिनट आपका ये टाइम का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मिस्टेक से 0.6 लिख दिया गया है, यहाँ पे 0.5 होना चाहिए, यहाँ पे 60 मिनट होना चाहिए डिवाइड बाई 60। तो यहाँ पे आ रहा है 12 आवर्स एयरक्राफ्ट पर आवर। तो C3 के लिए 12 एयरक्राफ्ट पर आवर वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है कि 12 एयरक्राफ्ट एक घंटे में आएंगे तो उसका जो है 50% जो है वो आपका इजीली हैंडल कर सकते हैं ये 6 गेट्स को। अगर 12 से ज़्यादा आप एयरक्राफ्ट आते हैं तो उसके लिए मतलब मांग चलिए आप 18 एयरक्राफ्ट एक घंटे में आ रहे हैं, तो 18 एयरक्राफ्ट एक घंटे में आ रहे हैं तो 18 का हाफ 50% कितना हो जाएगा 9 एयरक्राफ्ट। तो 9 एयरक्राफ्ट आ जाएंगे एक घंटे में और आपके पास अवेलेबिलिटी सिर्फ 6 गेट की है, तो 3 एयरक्राफ्ट को वेट करने पड़ जाएंगे आपको। तो मैक्सिमम आप 12 एयरक्राफ्ट पर आवर अगर आते हैं तभी आप पूरा तरह से आप जो गेट को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो बेसिकली ये 3 जो वैल्यू आते हैं C1 C2 C3 का, उसका मिनिमम हम लोग लेके चलते हैं जो कि 12 है, और उसका जो है 2 टाइम्स ऑपरेशन हम लोग इसमें कैपेसिटी कर सकते हैं कि 24 ऑपरेशन पर आवर हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हम लोग जो कैलकुलेशन वो सही आया है कि नहीं, मतलब हम लोग का जो सप्लाई जो कर रहे हैं वो डिमांड से कम है कि नहीं है, मतलब सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा है कि नहीं है। मतलब कि हम लोग सब 12 गेट्स हैं, 12 गेट्स 60 मिनट तक आपके एक घंटे में ओपन है, तो आप कितने टाइम प्रोवाइड कर पा रहे हैं टाइम एंड स्पेस। तो 12 × 60 मिनट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अगर कैपेसिटी 1 है, यूटिलाइजेशन फैक्टर जो 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 720 मिनट्स आएंगे। तो 720 मिनट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं और डिमांड कितना है हमारे 12 आवर मांग चलते हैं, हमारे कैपेसिटी 12 एयरक्राफ्ट पर आवर है, तो 12 का 0.15% एयरक्राफ्ट 25 मिनट लेगा, फिर इसी तरह 35% 45 मिनट और 50% लेगा 60 मिनट। तो इसका मल्टीप्लाई करना है तो हमारा जो सब रिक्वायरमेंट है 12 एयरक्राफ्ट पर आवर के लिए 594 मिनट्स, जो कि 720 से कम है, मतलब डिमांड हमारे कम है। तो ये आपकी सेफ है, मतलब कि अब किसी भी एयरक्राफ्ट को वेट नहीं करना पड़ रहा है इसमें। तो बेसिकली जो एयरक्राफ्ट है उसको वेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि आपका कितनी कैपेसिटी है, कितने नंबर ऑफ गेट्स हैं। तो हम लोग को इस तरह से निकालनी है तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कितनी कैपेसिटी है, तो उसके लिए मिनिमम ही हम लोग लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है प्रॉब्लम 3। इसमें जो बेसिकली देखना पड़ेगा कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास 10 गेट्स हैं, पर इसमें थोड़ा सिचुएशन ये अलग है कि जो है 3 तरह के जो एयरक्राफ्ट्स हैं A, B, C। तो जो ए के लिए जो गेट है 5 गेट जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो 5 गेट्स है वो 5 गेट्स हैं वो A, B, C तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बी के जो गेट्स हैं वो बी और सी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और सी का जो गेट है वो सिर्फ सी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सी बहुत ज़्यादा ही स्मॉल एयरक्राफ्ट है, उसके लिए जो स्पेस है दो स्पेस दिए गए हैं वो बहुत ही छोटे हैं। तो इसके लिए हम लोग को अगर कैलकुलेशन करना है तो पीछे वाले कैलकुलेशन की तरह ही हम लोग करेंगे, पर ध्यान ये देना पड़ेगा हम लोग का कि हम लोग को एयरक्राफ्ट के अकॉर्डिंग ही करना है, गेट्स के अकॉर्डिंग नहीं करना है। तो यहाँ पर 5 के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे हम लोग, एयरक्राफ्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ ए के लिए कितना हमारे पास इस पर गेट है, 5 ही गेट है उसके लिए, और 30% हम लोग का मिक्सिंग है, मतलब इतना परसेंट हम लोग को आ रहा है एयरक्राफ्ट, और 60 मिनट उसकी ऑक्यूपेंसी टाइम है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लेके चलेंगे और हम लोग निकालेंगे कितना होना चाहिए आपका उसके कैपेसिटी, गेट कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी का 30% का 60 मिनट लगता है, तो उसके लिए आपको 5 गेट्स हैं तो हम लोग का 60.67 एयरक्राफ्ट पर आवर आएंगे, तो आपके लिए सेफ है, मतलब इतना सही है, किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस में जो है बी टाइप के एयरक्राफ्ट के लिए डिस्कस कर लिया जाए, तो बी टाइप का एयरक्राफ्ट जो है वो ए वाले में बी वाले में दोनों में जा सकता है, तो उसके लिए अवेलेबल जो स्पेस है वो है 5 + 3 = 8, ठीक है। तो दोनों तरह के गेट में जा सकता है, तो इस केस में जो है कि आपका
दोनों का कैपेसिटी अलग अलग है, जो है कि सिक्स जो ए टाइप का जो है एयरक्राफ्ट है उसका है अलग है ऑक्यूपेंसी टाइम, बी के अलग अलग है। तो इसके लिए दोनों के लिए हम लोग को दोनों का लेना पड़ेगा, मतलब सी टू आर एच का 30% आपका 60 मिनट ले रहा है और सी टू का 50% जो रहा है 45 मिनट ले रहा है। इस तरह से निकालेंगे तो आपका सी टू का वैल्यू आ जाएगा 11.85 एयरक्राफ्ट पर आवर। तो इस केस में 11.85 पर आवर अगर आते हैं आपका ट्रैफिक होता है तो इसके लिए सेफ है। थर्ड केस में जो सी है वो तीनों लोकेशन में जा सकता है, तीनों लोकेशन के लिए आप लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तीनों लोकेशन के लिए जो है वेटेज एवरेज यहाँ पे लेना पड़ेगा, टी का वैल्यू भी वेटेज एवरेज लेना पड़ेगा तीनों के लिए। उसके बाद हम लोग का वैल्यू आ रहा है 12.9, तो यहाँ मिनिमम जो है आपका 11.85 आ रहा है और इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23.7 ऑपरेशन पर आवर। तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे। सिमिलरली आप इसको चेक कर सकते हैं कितना सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 10 × 1 × 60 और जो है ऑक्यूपेंसी टाइम के अकॉर्डिंग तो आ रहा है 550-551 जो कि 600 से कम है, तो ये आप भी सही है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि आपका कितना कैपेसिटी होनी चाहिए, कितना ऑपरेशन आप कर सकते हैं पर आवर। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने जो लेक्चर में डिस्कस किया है वो कि एप्रॉन का जो है फैक्टर तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, वो है गेट पोजीशन, नंबर ऑफ गेट्स, सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट पार्किंग। तो हम लोगों ने गेट पोजीशन, नंबर ऑफ गेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट पार्किंग क्या होता है, कैसे होते हैं, इसके बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।